शिवा की मूर्ति है माता पार्वती, तो वहीं भोले भंडारी है अपने महादेव। माता पार्वती और महादेव की जैसी जोड़ी को हर कोई अपने घर में देखना चाहता है। फिर क्या था, दादी की ख्वाहिश है कि इस महाशिवरात्रि पर नायरा और कार्तिक महादेव और पार्वती का रूप लेंगे। फर्स्टली हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को, शिवरात्रि की शुभकामनाएं। दादी ये सब ऑर्गेनाइज करती हैं कि वो शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की शादी करवाएंगी और सभी मेहमान सभी लोग आए हुए हैं, सारे दोनों तरफ की फैमिलीज आई हुई हैं और वहीं पे कार्तिक और नायरा शिव पार्वती बनते हैं। दादी ही कार्तिक को कहती है शिव बनने के लिए। कायरा का फिर से विवाह हो रहा है। दादी ने सही मौके पर कितनी अच्छी सोच रखी है, क्योंकि इन दिनों नायरा और कार्तिक एक दूसरे से रूठे हुए हैं, तो ऐसे में शंकर पार्वती की ये जोड़ी इनके बीच प्यार को बढ़ाएगी। पहली जो कायरा विवाह हुई थी उसकी एनिवर्सरी भी आने वाली है। यहाँ पर जो शिवरात्रि का फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर रेडी होने से पहले ही कार्तिक नायरा का बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है। कहीं जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। शिव पार्वती बनकर शिवी और शिवी पार्वती बन गई। माता पार्वती का रूप तो देखिए, इनका श्रृंगार तो देखिए, आज तो नायरा सच में साक्षात माता पार्वती का रूप लग रही है, तो वही कार्तिक भी भोले भंडारी की छवि में एकदम उतर गए हैं। काफ़ी सारे रुद्राक्ष है शिव भगवान के, जो नाग है क्यूट सा, एंड द होल वेग एंड जो यहाँ से जहाँ गंगा बहती है वो थोड़ा बहुत मैंने सीखा कि अच्छा ऐसा होता है। दैट्स ऑल। I'm loving my look. It's typical वही पार्वती जी का लुक जो है शादी में। Should we swirl as पार्वती एंड शिव? गाजे बाजे के साथ महादेव की बारात निकली और पूरे हुए इनके सात फेरे। सच में गोयंकाज और महेश्वरी इस परिवार का महाशिवरात्रि सबको याद रहेगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।